गुड मॉर्निंग आल ऑफ यू स्टूडेंट आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत है प्रूडेंट एग्रीकल्चर परिवार में आज हम आपके लिए लेके चलते हैं जो करीब कम से कम दो क्वेश्चन रहेंगे कितने क्वेश्चन रहेंगे दो क्वेश्चन रहेंगे कम से कम कितने रहेंगे दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन की बात की जाए साथियों दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बायोकेमिस्ट्री किससे जाते हैं बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कोई बात है खास तौर पे कोई ज्यादा टफ नहीं है बायोकेमिस्ट्री किसका ही पार्ट है आपका फ्रूट हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है क्योंकि तो हॉर्टिकल्चर से ही चीजें निकाल निकाल के अलग कर देंगे उसकी ब्रांच अलग बना दी गई इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है बायो पढ़ने में ठीक है पर बायो पढ़ने से इतना बायो पढ़ने से इतना डर नहीं लगना चाहिए पेन कहाँ गया इसमें है, बायो केमिस्ट्री की बात कर लिया बात के लिए, तो किसी के लिए बायो केमिश्ट्री। बायो केमिश्ट्री बहुत जबरदस्त शानदार क्लास लेके चलेंगे कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते जरूरी नहीं एग्रीकल्चर की बात की जाए बायो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कोई भी भारत का वनडे डे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर कोई भी एक्स वाई जेड हो अगर आपका बायो केमिस्ट्री क्वेश्चन बनता है तो आप इग्नोरिया क्लास लीजिए एक भी क्वेश्चन कट जाए तो बताना हमसे कि हाँ सर मेरा क्वेश्चन कट गया था ठीक है बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की बात की जाए किसकी बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री होता गया बायो प्लस केमिस्ट्री ऐसे जैव रसायन विज्ञान जहां जीवों की भी बात 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 की 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 जाए उसमें क्या 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 केमिस्ट्री मिक्सिंग जाएगी तो वो कहलाएगी कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री ही अगर बात की जाए फादर ऑफ बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए जस्टिस वॉन लिविंग है कौन है जस्टिस Justice... इसके फादर कौन है तो आप बताएंगे जस्टिस वॉन लिविंग है कौन है जस्टिस वॉन लिविंग, है। कौन, है? जस्टिस लिविंग है। कौन है फादर है इसके कौन है साथियों जस्टिस बॉन लिविंग कौन है फादर है जनक है कौन है फादर है क्या बताओ केमिस्ट्री के जनक कौन है तो जस्टिस बॉन लिविंग कौन है जस्टिस बॉन लिविंग ही के जनक है, है? बायो केमिस्ट्री का अध्ययन कैसे करना है साथियों बायो केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं छह टॉपिक पढ़े जाते हैं कितने टॉपिक पढ़े जाते हैं छह एक एक टॉपिक को नोट करते चलना पॉइंट टू पॉइंट नंबर एक की बात की जाए नंबर एक विटामिन कौन सी नंबर एक विटामिन नंबर दो की कार्बोहाइड्रेट नंबर तीन प्रोटीन नंबर चार फैट या फैटी एसिड नंबर पांच की बात की जाए एंजाइम, नंबर छह मिनरल्स नंबर सात की बात की जाए नंबर सात में क्या आते हैं तो वाटर 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 में ऐसा कोई खास होता नहीं तब भी पढ़ना पड़ता है वाटर क्या पढ़ना पड़ता है नंबर सात वाटर और नंबर आठ में इसी में एक चैप्टर और डालो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चैप्टर कौन सा होता है एसिड एंड बेस कौन सा होता है एसिड एंड बेस जैसे पूछ दिया अंगूर में कौन सा एसिड होता है ठीक है पालक में कौन सा होता है ऐसे पूछे जाते क्वेश्चन ठीक है तो so इसी में से मैं टॉपिक लेके चलूंगा कौन सा एसिड एंड बेस कौन सा टॉपिक लेके चलूंगा एसिड एंड बेस इस चीज को आप दिमाग में रखना एसिड एंड बेस होते क्या हैं ठीक है एसिड एंड बेस पैन कॉपी लेके बैठे ठीक है एक एक पॉइंट नोट करते चले एसिड एंड बेस में एक एक पॉइंट ठीक है ठीक चलते हैं, एसिड एंड बेस की बात की जाए किसकी बात की जाए साथियों जिसे कहते हैं अम्ल तथा बेस ठीक है एसिड एंड बेस जिसे कहते हैं क्षार क्या कहते हैं साथियों चार एक एक पॉइंट को समझना कि कहां कहा से क्वेश्चन बनेंगे कहीं से भी बने मुझे एसिड एंड बेस के क्वेश्चन अगर बनते किसी से भी रिलेटेड हो उनको पटक पटक के लाओ इसी चैप्टर में ही घसीटो आके ठीक है एसिड एंड बेस की बात की जाए एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन कौन थे साइंटिस्ट सोरेन्सन सोरेन्सन नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने एक पी स्केल बनाई क्या बनाई पीएच स्केल क्या बनाई पीएच स्केल भाई किसी से पैमाने से जो नापेंगे एसिड क्या होता है बेस क्या होता है ठीक है तो सोरेन्सन ने क्या बना आके पीएच स्केल बनाई आके पीएच स्केल में इन्होंने क्या जवाब किया पीएच स्केल में ये क्या बता रहे हैं सोरेन्सन साहब कि सो पीएच पहले तो पीएच की फुल फॉर्म समझो पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन किसकी बात कर रहा हूं पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच एच फुल फॉर्म क्या होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रेट ऑफ पावर कह सकते हैं ऐसे कुछ भी आता आता है लेकिन इसको मुख्यतः पावर ऑफ हाइड्रोजन किसे कहते हैं पीएच स्केल दिया किसने तो बताएंगे सोरेन्सन कि ने किसने दिया साथियों सोरेन्सन ने क्या दी पीएच स्केल दी इसके साथ साथ अगर बात की जाए पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है रेंज की बात किया जीरो से चौदह कितनी होती साथियों जीरो से चौदह होती कितनी होती जीरो से चौदह अब समझो कि कोई ये एक लाइन है ये एक स्केल है क्या है स्केल जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह समझना बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहा हूं अगर पीएच मान सात से कम हो कैसा हो सात से कम हो सात से कम हो लेस देन हो कितना हो सात से कम हो तो नेचर कैसा बनेगा साथियों तो आप समझेंगे एसिडिक कैसा बनेगा अम्लीय नेचर क्या हो जाएगा नेचर कैसा हो जाएगा साथियों अम्लीय है अगर पीएच मान सात से अधिक है किसकी बात करूंगा पीएच मान सात से अधिक है मोर देन पीएच ऑफ तो क्या हो जाएगी कैसी कंडीशन बनेगी जाके तो आप बताएंगे बेस कैसी बनेगी अगर सात से अधिक है तो कैसी हो जाएगी छारिय छार या छारी चार या कंडीशन हो जाएगी कैसी हो जाएगी छारिय ठीक है कितने सात से अधिक हो किससे की बात कर रहा हूँ सात से अधिक अगर पीएच मान है क्या है सात से अधिक पीएच मान है मोर देन ठीक है किसकी बात कर रहा हूं मोर देन अगर सात से अधिक पीएच मान है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी क्षारिय हो जाए अगर पीएच मान केवल सात हो कैसी बात कर रहा हूं केवल ओनली फोर पीएच मान ऑफ सेवन तो मृदा कैसी हो जाएगी तो आप बताएंगे उदासीन हो जाएगी कैसी हो जाएगी उदासीन कैसी साथी हो जाएगी उदासीन तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर पीएच मान सात है क्या है सात से कम है लेस देन है सात से कम तो कैसी हो जाएगी मृदा एसिड हो जाएगी ठीक है कैसे हो जाएंगे एसिड अम्लीय क्या होते हैं तो सात से कम हो ठीक है छारिया क्या होते हैं सात से अधिक हो ठीक है मोर देन सात से अधिक हो कैसे हो सात से अधिक हो तो ये कैसे हो जाएंगे बेसिस हो जाएंगे ठीक है अगर कैसे हो साथ हो तो ये कैसे हो जाएंगे उदासीन हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे साथ ही हो उदासीन हो जाएंगे बात समझ में आ रही हो तो बताएं कमेंट करके बताएं समझ में आ रही समझ में आ रही बिल्कुल, बिल्कुल आना चाहिए समझ में ठीक है आगे चलते हैं स्क्रीन शॉट ले लें नहीं बाद में सर ने स्क्रीन शॉट भी नहीं लेने दी स्क्रीन शॉट लेते रहे अब देखो पीएच मान तो मैंने जान लिया कि पीएच मान के आधार पर अगर सात से कम होगा तो कैसी मर्यादा होगी कैसा नेचर होगा किसी भी, भी चीज का तो एसिडिक होगा ठीक है अगर सात से अधिक है तो कैसा होगा बेसिक होगा बेसिस होगा ठीक है तो अब समझ दो तो, अम्ल और छार में अंतर क्या होते हैं एसिड और बेस में अंतर क्या होते हैं अम्ल तथा छार में अंतर क्या होते हैं पहले तो ये समझो तौर पर अम्ल और चार अम्ल एवं चार के अंतर की बात की जाए साथियों तो अंतर नंबर एक नोट करें नंबर एक पीएच मान सात से कम हो क्या हो पीएच मान पीएच मान सात से कम हो पहला क्या पीएच मान सात से कम हो दूसरा पीएच मान सात से अधिक हो सात से अधिक हो तो कैसा नेचर बनेगा क्षारिया बनेगा सात से अधिक होगा ठीक है नंबर दो की अगर बात की जाए नंबर दो एच धन आयन पाए जाएंगे कौन से आयन होंगे एच धन आयन होंगे क्या होंगे h+ आयन होंगे तो कैसी मृदा होगी अम्लीय होगी लेकिन लेकिन क्षारीय में समझो क्षारीय में oh आयन के साथ-साथ oh साथ, आयन नेगेटिव होंगे इसके साथ-साथ सोडियम और पोटेशियम की भी उपस्थिति होगी किसकी होगी सोडियम और पोटेशियम की उपस्थिति होगी भाई बताएं किस तत्व की कमी से मृदा क्षारीय होती है तो आप बताएंगे सोडियम और पोटेशियम की उपस्थिति से ठीक है कैसे सोडियम और पोटेशियम भी उपस्थित होगा ठीक है नंबर दो नंबर तीन की बात की जाए अगर इसमें एच धन आयन है ठीक है पीएच मान सात से कम है उसका सात से अधिक और सोडियम पोटेशियम आयन की उपस्थिति है अगर ये प्रश्न पूछा जाए प्रश्न क्या पूछा जाए कि छारिय मृदाओं को सुधारेंगे किससे बाबू सुधारेंगे किससे सुधार तो बात की बात करें पहले चीज दिमाग में लाओ कि और कैसे पहचान करते हैं आपने एक नाम सुना होगा लिटमिस पेपर क्या नाम सुनोगा पेपर। तो कैसे स्वाद में खट्टे होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं बाबू खट्टे होते हैं कैसे होते हैं बाबू अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं यह स्वाद में कैसे होते हैं तीखे होते हैं कैसे होते हैं तीखे होते हैं अम्ल क्या छार कैसे होते हैं स्वाद में तीखे होते हैं अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं इसके साथ साथ बात की जाए अम्ल क्या करते हैं अम्ल 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 क्या करते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल क्या कर देते हैं नीले लिटमिस पेपर को क्या कर देते हैं लिटमिस पेपर को लिटमिस पेपर को लाल कर देते हैं नीले लिटमिस पेपर को क्या कर देते हैं साथियों लाल कर देते हैं क्या कर देते हैं साथियों लाल कर देते हैं अम्ल क्या कर देते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि छार क्या करते हैं छार क्या करते हैं छार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं लाल लिटमस को लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं ये बात समझ में आ रही होगी अम्ल क्या करते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं छार क्या करते हैं तो लिटमस पेपर को जो लाल होता है लाल को क्या कर देते हैं नीला कर देते हैं छार लाल लिटमस पेपर को छार लाल लिटमस पेपर कौन से पेपर लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला कर देता है और ये अम्ल क्या करते हैं नीले को लाल कर देते हैं साथियों इसकी अगर ट्रिक की बात की जाए ट्रिक से कैसे याद रखोगे ट्रिक की अगर बात की जाए तो याद रखना एक दूसरे का अपोजिट अनिल अनिल क्या नाम रखोगे अनिल अनिल से आ से बताएंगे अम्ल क्या हो जाएंगे अम्ल क्या हो जाएंगे साथियों अम्ल अम्ल क्या करते हैं नी को नी से मतलब नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं नीले को क्या कर देते हैं साथियों लाल कर देते हैं क्या कर देते हैं लाल कर देते हैं अगर यही लिटमस पेपर की बात की जाए छार में तो लाल को चार क्या कर देते हैं नीला कर देते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अनिल को याद रखना से अम्ल अम्ल क्या करते हैं नीले लिटमिस को लाल कर देते हैं छार क्या करते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं ठीक है जल्दी से जल्दी से क्या करें क्या करें थम्स अप करके आगे बढ़ाते रहे ठीक है वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करते रहे ठीक है इसके साथ साथ अब तो यह बात हो गई थी हमने अम्ल और क्षार में अंतर जाना ठीक है अब अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा होती इनको सुधारने के कारक क्या क्या समझे अम्लीय मृदा को सुधारने के कारक क्या क्या है पूछे जाते हैं अम्लीय है मृदा को सुधारते हैं और जबकि क्षारीय मृदाओं की अगर बात की जाए किसकी बात की जाए साथियों छिया मृदा किसकी मृदा की बात की जाए इनके दोनों के क्या क्या सुधार देखो अम्लीय मृदा की बात की जाए सी ए कैल्शियम ऑक्साइड सी एच सी एच कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ठीक है बुधा हुआ चूना कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रयोग कर लेकिन ये दोनों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं किस किस का सी एओ सी एच का प्रयोग करते हैं किसमें तो अम्लीय मृदा सुधारने के लिए क्षारीय मृदा का अगर पूछ दिया क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं उत्तर आना चाहिए जिप्सम क्या आना चाहिए जिप्सम तो जिप्सम का साथियों कमेंट में फार्मूला बताए इसका फार्मूला होता है सी एसओ फोर क्या होता है टू इंटू एच टू ओ क्या होता है सी ए एसओ फोर इंटू टू एच टू ओ टू एच टू ओ सी एस ओ फोर इंटू टू एच टू ओ जिप्सम 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 के साथ साथ क्या करते हैं दूसरा ये जिप्सम ना मिले तो इसमें करते हैं पायराइट प्रयोग करते हैं कौन सा प्रयोग करते हैं को भी पिछली क्लास में बताया था चौथी क्लास में क्या कहते थे फाल्स फ्रूट वो फाल्स गोल्ड कहते थे झूठा सोना कहते थे क्या कहते थे झूठा सोना कहते थे झूठा सोना कहते थे ठीक है बात समझ में आ रही जो शेयर करते न ठीक है आगे की चर्चाएं करते हैं ठीक है अब बात आती है कि हमने यहां तक, तक तो जाना लेकिन अब अम्ल कौन कौन से किस किस में उपस्थित होते वो भी तो जानना बहुत जरूरी है अम्ल जानने के लिए कोशिश करें ठीक है जैसे कि पूछा जाए तुमसे कि पूछा यह जाए कि आम में कौन क्या नाम सॉरी जैसे पूछा जाएगा कि सेब में कौन सा अम्ल होता है केले में कौन सा अम्ल होता है तो ये अम्ल भी जानना बहुत जरूरी है ठीक है इसको समझें तो एक तरफ डाल लें अम्ल तथा उपस्थिति क्या है डाल लें अम्ल और एक तरफ डाल लें उपस्थिति कौन सा अम्ल किस किस में उपस्थित होता है ठीक है इस चीज को समझें आप बड़ा दिमाग से ध्यान से ठीक है समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि कौन सा अम्ल किस में उपस्थित होता है ठीक है जैसे कि तुमसे पूछा जाए एक मिनट हम्म चलते हैं देखें ठीक है जैसे कि पूछा जाए नंबर एक बात की जाए ठीक है क्या बात की जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में क्या बताएंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप बताएंगे सिट्रे कौन सा बताएंगे टमाटर में पूछ दिया जाए कि कौन सा अम्ल होता है टमाटर टमाटर के साथ साथ नींबू तो इसमें कौन सा अम्ल होता है बताएंगे आप सीटरे कम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है सीट्रे कम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल होता है इसके साथ साथ तुमसे पूछा सेब केला, आम, हाँ, सेब, सेब, सेब के साथ साथ केला, केला के बाद पूछा है तरबूज तरबूज के साथ साथ पूछा जाए चेरी इसमें कौन सा अम्ल होता है तो उत्तर देंगे मैलिक अम्ल कौन सा अम्ल मैलिक का अम्ल आगे लिखें। चीटी के डंक में चीटी के डंक में या ततैया के डंक में ततैया के डंक की बात की जाए किसकी बात की साथियों ततैया पीली पीलीवर्रैया के डंक में कौन सा पाया जाता है तो याद रखना फार्मिक एसिड कौन सा अम्ल पाया जाता है फार्मिक अम्ल उसके बाद लिखें दूध में दूध में साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है तो उत्तर देंगे लैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल ठीक है कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में ठीक है याद रखना दही में कौन सा पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल दही में कौन सा अम्ल होता है ब्यूट्रिक अम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है ब्यूट्रिक अम्ल होता है ठीक है गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में तो आप बताएं ग्लूटामिक ग्लूटामेक कौन सा अम्ल होता है ग्लूटामेक अम्ल होता है अगर सरसों पूछा जाए साथियों क्या पूछा जाए सरसों में कौन सा अम्ल होता है इूसिक अम्ल बात समझ में आ रही ठीक है बात समझ में आना चाहिए कौन सा अम्ल होगा सरसों में अम्ल होगा ठीक कौन सा अम्ल होगा है आमला, अमला में कौन सा अम्ल होता है एस्कार अम्ल एस्कार अम्ल एस जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फटाफट पट, अपने मित्रों को शेयर करें जल्दी से उसके बाद अगर पूछा जाए किसकी अंगूर अंगूर और इमली में कौन सा एसिड होता है तो अंगूर और इमली की बात की जाए साथियों किसकी बात की जाए अंगूर और इमली की बात की जाए तो अंगूर इमली में कौन सा होता है टाट्रिक अम्ल होता है कौन सा होता है साथियों अम्ल अंगूर और इमली में कौन सा एसिड होता है टाट्रिक इसको ट्रिक इसकी मैं बता दे रहा हूं ट्रिक क्या है, इसकी? क्या है ट्रिक आइटा वर्ड याद कर लेना आइटा आ से क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए अंगूर क्या हो जाएगा अंगूर ठीक है इसे क्या हो जाएगा आपको रखना इमली और से क्या हो जाएगा आपको पता ही चल रहा है टाइट्रिक एसिड कौन सा अम्ल टाइट्रिक बात समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में आई कि नहीं आई आई बिल्कुल आई बिल्कुल आई आए, आए, आएगी आएगी ठीक है अंगूर इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप बताएंगे टाइट्रिक अम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है टाइट्रिक अम्ल उसके बाद लिखें गन्ने में सॉरी में लिखो में पहले सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो बताएंगे एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है साथियों एसिटिक अम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है एसिटिक अम्ल होता है इसमें इस चीज को याद रखना कौन सा अम्ल पूछा जाए तो सिरका में कौन सा होता है एसिटिक अम्ल होता है ठीक है इसके साथ साथ पालक में पूछ दिया जाए साथियों किसमें पालक में पालक में कौन सा होता है बेटा तो बताएंगे ऑक्जेलिक अम्ल होता है कौन सा होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये तो थे मेरे कुछ अम्ल थे क्या थे साथियों अम्ल थे क्या थे अम्ल थे अब देखो बात की जाए जो यहाँ पे अम्ल तो हो गए कि कौन कौन से अम्ल होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि क्या बोला जाता है कि पीएच मान कितना होता है किस अम्ल का कितना पीएच मान होता है वो भी पूछा जाता है ठीक है वो मोस्ट टू मोस्ट है ठीक है उनको भी याद रखना कौन कौन से होते हैं तो अम्लों की तरफ बढ़ते हैं ठीक है और भी कोई छूट रहा हो तो बताएं, ठीक है अब बात की जाए मान की किसकी बात की जाए पीएच मान की बात की जाए पीएच मान जैसे पूछा जाता है टॉयलेट का यूरिन का पीएच मान कितना होता होता है रक्त का पीएच मान कितना होता है तो इन चीजों को याद रखना तो कितना कितना होता है तो कुछ पीएच मान को भी याद रखना ठीक है पीएच मान जो पूछे जाते हैं किस किस में कितना कितना पीएच मान होता है तो लिखना शुरू करें पीएच मान जैसे पूछा जाए ठीक है नंबर एक एक तरफ डालना पीएच मान लास्ट क्लास चल रही है लास्ट तरफ लास्ट अंतिम पढ़ाव की तरफ चल रही है पीएच मान और एक तरफ किसका यह पूछ दिया जाए ठीक है किसका होता है पीएच मान कितना नंबर एक पीएच मान सेवन पॉइंट फोर किसका होता है आप बताएंगे रक्त का किसका रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 इसके बाद पूछा जाए किसका आप बताएंगे दूध का पीएच मान पूछा जाए 7.4 से 7.6 कितना होता है 7.4 से 7.6 किसका होता है तो बताएंगे दूध का पीएच मान दूध का मूत्र का पूछ दिया जाए 6.3 लेकिन एग्जाम में क्या आ रहा है वर्तमान समय में 6 आ रहा है मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6 होता है कितना होता है मूत्र का पीएच मान होता है, जबकि सिरके का पीएच मान पूछ दिया जाए सिरके का सिरके का कितना होता है तीन होता है कितना होता है तीन सिरके का कितना पीएच मान होता है तीन शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, है सात जिसे अशुद्ध जल कहते हैं वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है तो बताएंगे सात होता है ठीक है शुद्ध जल का पीएच मान तो कितना बताएंगे आप सात ठीक है इसके साथ साथ पूछा जाए ठीक है अंडे की सफेदी का पीएच मान कितना होता है सेवन पॉइंट एट अंडे की शुद्ध जल अंडे की सफेदी का पी एच मान तो कितना होता है, होता है. किसका दो होता है एच सी एल का दो होता है ठीक है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो याद रखना फोर पॉइंट टू से फोर पॉइंट फोर अम्लीय वर्षा का पी एच मान फोर पॉइंट टू से फोर पॉइंट फोर किसका अम्लीय वर्षा का पीएच मान अम्लीय वर्षा का पीएच मान अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो four four होता है 4.2 से 4.4 होता है ठीक है इस चीज को समझना अच्छा पूछा जाए कि सामान्यता मृदा के लिए पीएच मान कितना चाहिए सामान्यता खेती के लिए सामान्यता खेती के लिए 6.5 से 7.5 होना चाहिए 7.5 से 6.5 से 7.5 सामान्यता खेती करने के लिए मृदा का ताप मृदा का पीएच मान खेती करने के लिए मृदा का पीएच मान समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम सामान्यता अगर पूछा जाए खेती करने के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए तो आप बताएंगे इतना होना चाहिए कितना होना चाहिए तो क्या आप बताएंगे 6.5 से 7.5 इसके बाद पूछा जाए सिरका का बता दिया मैंने सिरका का तीन बताया है सिरका साथ साथ अगर पूछे जाए आंसू का पीएच मान कितना होता है तो भाई रक्त का भी 7.4 होता है और इसके साथ साथ आंसू का भी पीएच मान कितना होता है 7.4 ही, ही होता है आंसू आंसू इसे कहते हैं आंसू आंसू बहते हैं आंखों से इसका भी पीएच मान कितना होता है सेवन

जल का पीएच मान ठीक है चीज नोट कर लें जल्दी फटाफट स्क्रीन शॉट ले लें ठीक है इसके साथ साथ दो पीएच मान बचे हैं पीएच मान जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा जैसे पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रम का पीएच मान कितना होता है खीस का तो खीस के पीएच मान कोई बताए जल्दी से कोई को आता हो कोलेस्ट्रम का पीएच मान कोई बताए कोई बच्चा ऐसा हो जो कोलेस्ट्रोल का पीएच मान बताए इसे कहते हैं खीस, खीस, खीस का मैं बात कर रहा हूं कोलेस्ट्रोल का पीएच मान कोई बता दे बता दे जल्दी बताओ कोलेस्ट्रोल का जो पीएच मान पूछा जाता है वो कितना होता है तो आप याद रखना 4.2 से 4.3 होता है ठीक है तो आज के लिए जो मैंने चीजें की पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिया एसिड एसिड एंड बेस कोई भी क्वेश्चन कटे तो बताना कि सर जी मेरा क्वेश्चन कट गया था ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच